आमतौर पर किसी बड़ी खुशी के मौके पर लोग किसी जानवर की सवारी करने का मन बनाते हैं, तो घोड़ा या हाथी या फिर ऊंट की सवारी करते हैं। लेकिन जोधपुर से एक अजीबोगरीब तस्वीर सामने आई है, जहां सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद व्यक्ति ने खुशी के मौके पर गधे की सवारी की। बीएसएनएल में काम करने वाले मूल शंकर ने वाकई अजब कारनामा कर दिखाया है। लेकिन इस अजब कारनामे की वजह जानकर आप और भी हैरान होने वाले हैं। दरअसल जोधपुर के रहने वाले मूल शंकर 30 सालों से बीएसएनएल में काम कर रहे थे, और जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने गधे की सवारी कर धूमधाम से बैंड बाजे के साथ अपना रिटायरमेंट मनाया और गधे की सवारी की। लेकिन जब गधे की सवारी के पीछे का कारण पूछा गया तो जवाब कुछ अतरंगी सा था। इनकी बेटी कहती है कि इनके पापा ने 30 सालों तक गधे की तरह नौकरी की है, तो रिटायरमेंट के बाद भी गधे की सवारी करना चाहते थे। पापा ने 30 साल नौकरी की है, अब बीएसएनएल से सेवानिवृत्त हुए हैं, तो उनकी इच्छा थी कि मैंने 30 साल तक गधे की तरह काम किया, इसीलिए मैं आज गधे के साथ बैठ के पिक लूँगा। फिर है ना, वो कैमल सवारी पे आए हम सबके साथ डीजे पे, लेकिन है ना, इच्छा थी वो हम सब ने, फैमिली वालों ने उनकी पूरी की, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पापा जी गधे पे बैठे तो हम सबको अच्छा लगा, और वैसे भी पापा जी फनी मैन है, और हम सब तो कपिल के नाम से ही बोलते हैं पापा जी को, घर पे सबको हंसाते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जैसे खुश हूँ वो परिवार भी खुश रहे, इसीलिए पापा जी की इच्छा थी वो हम सब ने पूरी की। वही जब खुद मूल शंकर से इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था, आज भले ही उनके इस हरकत पर पूरी दुनिया हंसे, लेकिन इससे उनको अच्छा फील होता है कि उनकी वजह से आज पूरी दुनिया हंस रही है, मुस्कुरा रही है। हमारे बड़े मामा जी थे जो टेलीफोन एक्सचेंज से रिटायर हुए हैं, उन्होंने हाथी पे सवारी की थी, तो हमारे छोटे वाले मामा जी हमेशा हमारे को बोलते थे कि हम लोग आएंगे तो लोग देखेंगे हमारे को, और अच्छी तरह से आप लोग भी देखना, हमारे साथ जुड़े, कंधे से कंधा मिला के चलना हमेशा, और हमारे पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं साथ में, और पूरे परिवार को वहाँ बस में ले गए टेलीफोन एक्शन, और सबको बैठाया, नाश्ता कराया, सब कराया। फिर हमने सबने बोला ये क्या हो रहा मामा जी, अब चलें कि नहीं, दो मिनट और रुको आप लोग। फिर जब तक ये एक लेडी आई थी गधा लेके, और बोले मूल शंकर जी ने बुलाया है हमारे को, हम तो खुद आश्चर्य में पड़ गए कि मूल शंकर जी ने गधे कैसे बुलाए आज, कि हमारे लिए बुलाया गया, नहीं नहीं मैं खुद बैठूंगा और तुम लोग मेरे पीछे चलना। मैंने बोला ठीक है। जब थोड़ी देर हुआ तो पीछे से एक ऊँट आ रहा है, तो हमने बोला ये ऊँट किस लिए मंगाया मूल शंकर जी, बोले ये तुम्हारे लिए मंगाए, मैं बैठूंगा इनके ऊपर, तुम लोग हमारे साथ चलना। बोला ठीक है। वो गद्दे वाली थी, वो भी अच्छी तरह से तैयार होकर आई थी ज़बरदस्त, और आप हमने उनका फोटो नहीं खींचा, बाकी आपको फोटो बता देते हैं उनका। और गद्दे वाली बड़ी खुश हुई, वो बोल रही थी कि आज इतना बड़ा आदमी मेरे गधे के ऊपर बैठा है, इसकी 100 साल से ज़्यादा उम्र हो, और इसकी वाइफ की भी 100 साल से उम्र ज़्यादा हो, और इनके बच्चे और हम लोग साथ में कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे।